गायक केके की मौत के मामले में केस दर्ज, सिर व चेहरे पर चोट के निशान। मशहूर गायक केके के निधन मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने उनकी मौत के बाद मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक न्यू मार्केट पुलिस ने केके की असामान्य मृत्यु का मामला दर्ज किया है। इसके बाद आयोजक और होटल स्टाफ संदेह के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है। अभी तक बताया जा रहा है कि कोलकाता में लाइव शो के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वह होटल चले गए और गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब सामने आ रहा है कि केके की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई। उनके चेहरे व सिर पर चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि केके को जब अस्पताल ले जाया गया, तब उनके सिर पर चोट के निशान मिले थे। हालांकि इन सभी बातों पर से पोस्टमार्टम के बाद ही पर्दा उठेगा। जानकारी के मुताबिक कुछ देर बाद SSKM अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक परिवार की सहमति मिलने के बाद पूछताछ और पोस्टमार्टम किया जाएगा। केके की पत्नी व बेटा कोलकाता पहुंच रहे हैं। गायक केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कन्नथ है। इंडस्ट्री के मशहूर गायकों में से एक केके ने अपनी आवाज में कई गाने गाए। 23 अगस्त 1970 को जन्मे केके ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल गानों के लिए अपनी आवाज दी है। उनकी मधुर आवाज हर किसी के दिल को छू जाती थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।